जो मोहब्बत खदीजा से थी वो किसी और से नहीं थी, जो मकाम खदीजा का था वो किसी और से नहीं था। इतने वो डीपली खदीजा के साथ कनेक्ट थे, खदीजा का इजाजत मांगना याद आ गया, माजी के उस झरोखे में चले गए अल्लाह के रसूल से। वो जो गम अल्लाह के रसूल ने बंद किया हुआ था वो डब्बा अल्लाह के रसूल खुल गया, अल्लाह के रसूल थर थराने लग गए। ये मोहब्बत ही अल्लाह के रसूल से थी। जो मोहब्बत खदीजा से थी वो किसी और से नहीं थी, जो मकाम खदीजा का था वो किसी और से नहीं था, जो ताल्लुक रब्त नाता खदीजा के साथ था वो किसी और से नहीं था। और वो कहती हैं कि फ़ैकूल इन्नहा कानत व कानत, जब ये तस्करा बढ़ जाता और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि आप क्या बार बार उनका तस्करा करते हैं, तो अल्लाह के रसूल ये तारीखी जुमला अदा करते कि इन्नहा कानत व कानत, वो जो थी वो जो थी। जब आप किसी के औसाफ़ में किसी की तारीफ में आपके पास लफ्ज़ नहीं मौजूद ना हो तो ये जुमले अदा करते हैं, और नबी अपनी बीवी के लिए ये जुमले अदा कर रहा है, इन्नहा कानत व कानत, वो जो थी वो जो थी, वो क्या थी, वो थी बस, मैं बयान नहीं कर सकता वो क्या थी। वकान अली मिनहा वलद, मेरी अल्लाह ताला ने औलाद भी उससे दी। अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत करते थे। एक दफ़ा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो बहन है हाला बिन्त खुवैलिद, वो एक दफ़ा अल्लाह के रसूल के घर आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस्तेज़नत, उन्होंने अल्लाह के रसूल से इजाज़त तलब की, तो फ़अरफ़ इस्तेज़ान खदीजा, अल्लाह के रसूल को खदीजा का इजाज़त मांगना याद आ गया। फ़र्ता अलिज़ालिका, वो मौका, वो आवाज़, वो तरीका सुन के अल्लाह के रसूल थर थराने लग गए, कांपने लग गए। ये मोहब्बत ही अल्लाह के रसूल की खदीजा के साथ रज़ियल्लाहु अन्हा। आज वो हम में नहीं है, ये अल्फाज हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचें हमारे नबी जो है, जो इन्ना सनुल के आले का कौलन सकीला, भारी तरीन वही को उठाने वाले, मुश्किल से मुश्किल दौरों को गुजारने वाले, दुनिया का कोई गम ऐसा नहीं है जो नबी ने अपने ऊपर सहा नहीं है, कोई तकलीफ ऐसी नहीं है जो नबी ने अपने ऊपर ना सही हो। और अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के रसूल को बुखार होता था, इतना बुखार होता था, इतने गर्म होते थे अल्लाह के रसूल के, किसी और को मैंने इतना तेज होते हुए नहीं देखा। अल्लाह के रसूल का जो बिस्तर मर्ग आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, वो शदीद होता था। तो इतने एहसाब के कवि इंसान, लेकिन जब जज्बात और मोहब्बत की बात आती है बीवी से, तो इतने वो डीपली खदीजा के साथ कनेक्ट थे। हाला भी जो थी वो खदीजा का खून थी, खूनी रिश्ता था, बहने थी, दोनों खुवैलिद की बेटी थी। जब वो आई तो उन्होंने भी वैसे ही नॉक किया जैसे खदीजा नॉक करती थी, जब वो आई तो उन्होंने भी वही प्रेशर लगाया जो खदीजा जिस प्रेशर से नॉक करती थी। आवाज़ की टोन की सिमिलैरिटी, माजी के उस झरोखे में चले गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, और एकदम से जैसे वो जो गम अल्लाह के रसूल ने बंद किया हुआ था वो डब्बा अल्लाह के रसूल खुल गया और थर थराने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अल्लाह के रसूल ने क्या बात की पहले, अल्लाहुम्मा हाला, ए अल्लाह तो हाला ही है, ए अल्लाह तो हाला ही है, ए अल्लाह तो हाला ही है।